नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 1 जनवरी 2022। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए साल पर चलेगा कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान। नवजोत योजना में गड़बड़ी करने वालों की अब ज्यूरी सदस्यों की मौजूदगी में होगी जनसुनवाई। कोरोना से निपटने के लिए बिहार के सभी जिलों में कंट्रोल रूम जारी। नीरा का उत्पादन करने वालों को 1 लाख देगी नीतीश सरकार। श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता अंडर-19 एशिया कप का खिताब। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नए साल पर चलेगा कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान। नया साल अपने साथ कोरोना की तीसरी लहर की आहट को साथ में लेकर आया है। हालांकि यह और किस हद तक तबाही मचाने वाला है, इसके बारे में कुछ भी कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार अपनी पुरजोर कोशिश में लगी है कि कोरोना को लेकर के लोगों को इसके जड़ से छुड़ाया जा सके। इसके लिए बिहार में टीकाकरण को लेकर खास तैयारी की जा रही है। आलम कुछ यूं है कि नए साल के मौके पर भी टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जनवरी में 1,12,00,000 टीके दिए जाएंगे, जिसमें कि सोमवार से 15 से 18 साल के किशोरों को दिया जाने वाले टीके को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, इस लक्ष्य में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों, हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया जाने वाला बूस्टर डोज को भी शामिल किया गया है। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। दंग करना पड़ेगा महंगा। नए साल का जश्न इस बार कोरोना के लिहाज से बेहद ही फीका होने वाला है, क्योंकि इस बार जश्न कुछ पाबंदियों के साथ होगा। साथ ही साथ आपके हर जश्न स्थल पर पुलिस की पैनी नजर भी रहने वाली है, जिसके बाद कोरोना के नियमों का उल्लंघन करना आपको भारी पड़ेगा। इसके लिए पूर्व SSP उपेंद्र शर्मा की तरफ से सभी थानेदारों को अपने अपने इलाके में विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है। साथ ही प्रमुख जगहों पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस अधिकारी भी दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन का जायजा लेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए सरकार की तरफ से नए साल पर जू पार्कों के जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। होटल में बिना अनुमति के आयोजन नहीं होगा, इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। बिहार में शिक्षकों के लिए नया साल हो सकता है शुभ। बिहार के शिक्षकों के लिए नया साल वेतनमान के हिसाब से बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने यह साफ कहा है कि बढ़ा हुआ वेतन शिक्षकों को जनवरी महीने से दिया जाएगा। इस दौरान एरियर का भुगतान भी किए जाने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। इतना ही नहीं, बिहार के 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के मूल वेतन में घोषित 15% वृद्धि पत्र NIC के वेब पोर्टल पर अपलोड करने का काम भी हो चुका है, जिसके बाद मेधा सॉफ्ट के जरिए शिक्षक वृद्धि संबंधी पत्र देख सकेंगे। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने वेतन वृद्धि पर आपत्ति के लिए 3 जनवरी से 7 जनवरी तक का समय निर्धारित किया है। अब अखबार निकालेगी सरकारी स्कूल की बेटियां। छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना की पहल से सरकारी स्कूल की बेटियों के लिए एक खास पहल की गई है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। 9वीं और 10वीं की छात्राओं को इस काम की जवाबदेही दी गई है। छात्राओं को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। सभी हाई स्कूल में इस दीवार अखबार का प्रकाशन करना है। मिली जानकारी के अनुसार महीने में 1 या 2 बार बच्चियां इसका प्रकाशन करेंगी। स्कूल और पोशाक क्षेत्र के आसपास की घटनाएं और छात्राओं की लिखी कहानी कविताएं इसमें होंगी। इसमें सुंदर और साफ लिखावट में बच्चियां अपने आसपास तथा स्कूल में घटित किसी भी घटना की रिपोर्ट लिख सकती हैं। स्वचरित कविता, कहानी, चुटकुला, चित्र, ज्ञान विज्ञान के साथ ही कुछ तथ्य, महापुरुषों की जीवनी, सामान्य ज्ञान आधारित रोचक तथ्य भी इसमें रहेंगे, जिसके बाद हर महीने एक बेहतर रिपोर्ट पर बच्चियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कोरोना से निपटने के लिए बिहार के सभी जिलों में कंट्रोल रूम चालू। बिहार में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। इसको लेकर ही बिहार सरकार की तरफ से राज्य के सभी जिलों के कंट्रोल रूम को फिर से चालू कर दिया गया है। साथ ही अस्पतालों और बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की तैयारी भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि राज्य में टेलीमेडिसिन की सेवा बहाल की गई है। इससे 6,50,000 को कंसल्टेंसी दी जा चुकी है। IG, IMS और PMCH, NMCH सहित अनुमंडलीय अस्पतालों के ऑक्सीजन कमेटी को अलर्ट किया गया है। सिविल सर्जन कार्यालय की तरफ से सभी कोविड विंग के नोडल अधिकारियों को ऑक्सीजन प्लांटों के रखरखाव और उपकरणों को जांच कर दुरुस्त करने को कहा जा रहा है।
नलजल योजना में गड़बड़ी करने वालों की अब जूरी सदस्य की मौजूदगी में होगी जनसुनवाई। अब नलजल योजना से जुड़ी कोई भी समस्या आसानी से निपटाई जा सकेगी, क्योंकि बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नलजल योजना के संचालन को लेकर बिहार के हर ग्राम पंचायत में जनसुनवाई का आयोजन होने वाला है, जो कि जूरी सदस्यों की मौजूदगी में की जाएगी, ताकि दोषियों और लापरवाही को लेकर के संबंधित पर कार्रवाई की जा सके, साथ ही कमियों को भी तुरंत ही दूर किया जा सके। सबसे खास बात यह है कि पंचायत स्तर पर बनाई जाने वाली जूरी में मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति द्वारा नामित दो प्रतिनिधि और जीविका ग्राम संगठन द्वारा नामित एक पदाधिकारी और जीविका दीदी शामिल रहने वाली है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED ने इसको लेकर जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि जनसुनवाई के पहले हर पंचायत के वार्डों में जीविका दीदियों द्वारा घर घर जाकर योजना की समीक्षा भी की जाएगी। पटना में गंगा पर बनेगा अब एक और 6-लेन पुल। बिहार को इस साल कई सारे पुलों की सौगात मिलने वाली है। इसी कड़ी में जल्द ही बिहार वासियों को एक और 6-लेन पुल की सौगात मिलेगी, जिसका निर्माण पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर प्रस्तावित 4-लेन पुल की जगह 6-लेन पुल के रूप में बनाया जाएगा। इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बड़ी बात कही है। पथ निर्माण मंत्री ने साफ कहा है कि नए पुल के निर्माण को लेकर के बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने DPR बनाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसकी स्वीकृति को लेकर के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विभाग के अपर मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी। शराब पीने वालों की अब खैर नहीं। बिहार सरकार साल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कर चुकी है, लेकिन शराबबंदी की क्या सच्चाई है इसकी सारी जानकारी निकल करके सामने आ चुकी है। हालांकि आज नया साल है तो कुछ मंचलों की यह कोशिश जरूर होगी कि नियमों का पालन ना करें। वहीं पुलिस भी इस दौरान खूब सख्त रहने वाली है, जिसकी झलक बीते दिन ही देखने को मिली, जब साल के आखिरी दिन महज कुछ ही घंटों की जांच पड़ताल में 350 शराब पीने वाले और तस्करों की गिरफ्तारी की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए साल के मौके पर 48 घंटों का विशेष ऑपरेशन मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके दौरान उत्पाद अधीक्षक के साथ पुलिस की टीम भी सड़कों पर सघन जांच कर रही है। मद्य निषेध विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने मिलकर 2100 से अधिक छापेमारी की है, जिसमें 350 से अधिक को जेल भेजा गया। बिहार प्रशासनिक सेवा के 44 अफसरों को वेतनमान में मिली प्रोन्नति। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल मिलाकर 44 अधिकारियों के वेतनमान में प्रोन्नति दे दी गई है। विभाग की माने तो इन सभी अधिकारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के तहत पुनरीक्षित वेतनमान, पुनरीक्षित पे और मैट्रिक्स वेतनमान में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी गई है, जिसकी पूरी सूची सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विभाग की तरफ से जारी किए गए सूची में श्री सुभाष कुमार, श्री अभिनय भास्कर, श्री लखिंद्र पासवान, श्री मनोज कुमार, श्री यूनस अंसारी, श्री राशिद हुसैन समेत अन्य अधिकारियों के नाम शामिल है। बीते दिन बिहार के 5 IPS अफसरों की नौकरी हुई खत्म। बीते दिन साल 2021 के आखिरी दिन कई IAS अधिकारियों की सेवानिवृत्ति हो गई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण का नाम शामिल है। मुख्य सचिव के अलावा भी अन्य अफसरों ने बीते दिन सेवानिवृत्ति ले ली है। इनके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके अलावा पशुपालन विभाग के विशेष सचिव मधुरानी ठाकुर, जो 2007 बैच की IAS अफसर है, वो भी सेवानिवृत्त हो गई है। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा वाणिज्यिक कर विभाग में विशेष सचिव अरुण कुमार मिश्रा, छात्र एवं युवा कल्याण के निदेशक डॉक्टर संजय सिन्हा भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा की भी सेवा कार्यकाल का बीते दिन आखिरी दिन था। IRCTC अब बिहार के लोगों को करवाएगा कश्मीर की सैर। नए साल में अगर आप भी कश्मीर की वादियों का दीदार करना चाहते हैं, तो रेलवे आपके लिए एक सुनहरा ऑफर लेकर आया है। IRCTC की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के लोगों को पटना से श्रीनगर जाने के लिए विशेष टूर पैकेज का प्रबंध किया गया है, जिसका नाम जन्नत ए कश्मीर दिया गया है। यह टूर पैकेज 5 दिन और 6 रातों का होने वाला है, जो कि 12 मार्च को पटना से शुरू होगा और 17 मार्च को पटना में ही समाप्त होगा। इसमें पटना से हवाई मार्ग से पर्यटकों को श्रीनगर लेकर जाया जाएगा और हवाई मार्ग से ही वहां से वो वापस भी आएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस पैकेज में पर्यटकों को होटल में ठहरने की व्यवस्था होगी, साथ ही उन्हें दर्शनीय स्थलों तक ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था होगी। वहीं अगर हम खर्च की बात करें, तो यात्रा का खर्च होटल में अकेले रहने वाले लोगों के लिए विमान किराए समेत 34,020 रुपए होगा, जबकि डबल बेड वाले रूम में रहने वालों के लिए यह खर्च 27,030 रुपए होगा। नए साल में
4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। आज से नए साल की शुरुआत हो गई है। हालांकि यह साल कोरोना को लेकर कैसा रहने वाला है इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन बिहार का मौसम नए साल में सर्द रहने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बंद हो गया है, जिसके बाद अब पछुआ हवा चलने लगी है। इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में कुछ स्थानों पर आने वाले दिनों में मध्यम और घने कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। मौसमविदों का कहना है कि पछुआ हवा चलने के साथ 4 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हवा चलने और चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र विकसित होने के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और आगे भी बदलाव के आसार हैं। के इस 4 लेन हाईवे के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बिहार की बहुप्रतीक्षित पटना सासाराम 4 लेन का अलाइनमेंट तैयार हो गया है। नए अलाइनमेंट के अनुसार जिला प्रशासन ने रास्ते में आने वाली जमीन का खाता खेसरा और प्रकृति की सूची राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दी है। नए साल में सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। पटना से सासाराम तक जाने के क्रम में 4 लेन कोइलवर से भोजपुर में प्रवेश करेगी और उद्वंत नगर, गढ़हनी और चरपोखरी से होते हुए तरारी से आगे निकल जाएगी। भोजपुर में यह सड़क 5 प्रखंडों के 48 मोचे से होकर गुजरेगी। अयोध्या के विकास में अहम रोल निभाएंगे आचार्य किशोर कुणाल। अयोध्या के विकास में पटना के महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत आचार्य किशोर कुणाल को अयोध्या ज्ञान कोष का मानद सलाहकार बनाया गया है। अयोध्या को सही तरीके से विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञान कोष का गठन किया है। आचार्य किशोर कुणाल अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का खाका तैयार करने में सरकार की मदद करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अयोध्या को सही तरीके से विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कोष का गठन किया था। इस ज्ञान कोष में देश भर के आधा दर्जन प्रमुख लोगों को रखा गया है। नीरा का उत्पादन करने वालों को 1 लाख देगी नीतीश सरकार। नीरा का उत्पादन करने वालों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी नीरा का उत्पादन करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हमारी यह खबर कुछ खास है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने अपने समाज सुधार अभियान के दौरान लोगों से तारी के बजाय नीरा पीने की बात कही थी, जिसके बाद से ही नीरा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच अब राज्य सरकार ने नीरा उत्पादन करने वालों की मदद करने की बात कही है, जिससे कि नीरा का व्यवसाय करने के लिए ऐसे लोगों को सतत जीविकापार्जन योजना के तहत 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 7 महीने तक 1-1 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि तारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि नीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पटना मेट्रो के लिए 500 करोड़ नहीं बल्कि मिलेंगे सिर्फ इतने करोड़। हाल ही में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 500 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही गई थी, जिसके फैसले को अब वापस ले लिया गया है, जिसके बाद अब पटना मेट्रो के लिए नई राशि आवंटित करने की बात कही गई है, जिसके तहत बिहार सरकार पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को फिलहाल 308 करोड़ रुपए ही देगी। इस राशि के जारी होने के बाद पटना रेल कॉरपोरेशन के लिए भूमि अर्जन के काम में तेजी आएगी। ज्ञात हो कि जमीन के अधिग्रहण में खर्च होने वाली पूरी राशि का वहन राज्य सरकार को करना है। वहीं हाल ही में केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य के नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी थी और एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय यूनियन और जीका जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां लगभग 8000 करोड़ तक की राशि देने के लिए तैयार है, जिसके बाद ही अब इस नई जानकारी को पेश किया गया है। बिहार में इतने सड़कों का मेंटेनेंस और निर्माण कार्य करेगी पथ निर्माण विभाग। बिहार में नीतीश सरकार ने जब से बागडोर संभाली है सड़कों की दुरुस्त व्यवस्था आम जनजीवन को देने की कोशिश की है, जिसका परिणाम आज आप खुद भी देख सकते हैं। हालांकि अभी भी बिहार की कई सड़कों का निर्माण और मेंटेनेंस का काम करना बाकी है। यही कारण है कि अब पथ निर्माण विभाग ने इस बाबत 3 जिलों में 10 नई सड़कों का चयन किया है, जिसके निर्माण और मेंटेनेंस का काम किया जाना है, जिसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर 295 मीटर बताई गई है। इसके तहत 9 सड़कें नगर निगम और 1 सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की है। नगर निगम की सड़कों में से मुंगेर जिले में नगर निगम की 8 सड़कें शामिल है। वहीं आरा जिले में धरहरा चौक से रेलवे स्टेशन तक 1 सड़क है। इसके अलावा सीतामढ़ी जिले में ग्रामीण कार्य विभाग की 1 सड़क, मधुबनी चौक से भिट्ठा लचका और झटियाही से हाई स्कूल चिरौत तक करीब 9 किलोमीटर 240 मीटर की लंबाई में है, जिसके मेंटेनेंस और निर्माण का काम किया जाना है। कोरोना की तीसरी लहर में नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अलर्ट जारी है। हालांकि इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने खुद इसको लेकर बड़ा दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में सेवा दे रहे कुमार रवि ने बताया है कि तीसरी लहर की तैयारी की जा चुकी है। राज्य में फिलहाल 125 PSA प्लांट लगाने का लक्ष्य है। इसकी उत्पादन क्षमता 150 टन की है। इसके अलावा IGIMS सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक टैंक की स्थापना की गई है। इनकी क्षमता 308 टन की है। खुशखबरी यह है कि फिलहाल बिहार में करीब 450 टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता प्राप्त हो चुकी है। स्कूल कॉलेज बंद
करने पर सीएम नीतीश ने दिया बयान। बिहार में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिलने लगा है, जिसके बाद से ही स्कूल कॉलेज को बंद करने को लेकर अभिभावकों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब अब सीएम नीतीश ने दे दिया है। जिसके तहत ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बिहार में अभी इसकी जाँच नहीं हो रही है, जल्द ही इसकी जाँच बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। जो भी जाँच हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। वहीं स्कूल कॉलेज को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हम लोग असेसमेंट करेंगे, इतनी खराब स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ सारी चीजों पर आकलन करने के लिए ये बैठक की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संक्रमित लोगों के इलाज करने के लिए तैयारियां चल रही है। तीसरा दौर शुरू हो चुका है, अब कोरोना बढ़ने लगा है। आज से 10 दिन पहले तक बिहार में कोरोना 50 से नीचे था, रोज लगातार कोरोना बढ़ रहा है। पिछड़ेपन के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, नीति आयोग की रिपोर्ट में बार बार बिहार को पिछड़ा राज्य बताया गया है। हालांकि इसके बावजूद बिहार सरकार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को केंद्र सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। इन सब के बीच बिहार के पिछड़ेपन को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के पिछड़ा होने का ठीकरा केंद्र सरकार के माथे पर ही फोड़ दिया है। इसको लेकर तारकिशोर प्रसाद ने केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर बता दिया कि अगर बिहार पिछड़ा है तो इसकी बड़ी जवाबदेही केंद्र की है। केंद्र सरकार लगातार मदद में कमी कर रही है, यहां तक कि वाजिब गाय का भुगतान भी समय पर नहीं कर रही है। समाज सुधार से पहले अपने सिस्टम को सुधारे, मुख्यमंत्री जहां इन दिनों जोर शोर से समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उनकी इस यात्रा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश की इस यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सुधारेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, समाज सुधारने की बात तो ठीक है लेकिन ये सारी चीजों को कौन सुधारेगा, ये किसकी जिम्मेवारी है, पहले वो सिस्टम और अपने मंत्री अधिकारी और सरकार को तो सुधारते, इस पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इस दौरान झारखंड में बीपीएल परिवारों को 26 जनवरी से पेट्रोल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर कमी करने पर तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि बिहार पिछड़ा और गरीब राज्य है, मदद मिलनी चाहिए तो बिजली क्यों देश भर में महंगा बिकवाते हैं। श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता अंडर 19 एशिया कप का खिताब। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बारिश से बाधित मुकाबले में भारत के सामने 38 ओवर में 102 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 21.3 ओवर में खेल कर बहुत ही आसानी के साथ एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने लगातार तीसरी और ओवरऑल 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर अपना कब्जा जमाया है। खास बात यह है कि भारत ने आज तक जब भी इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल मैच खेला है तब तक खिताबी जीत हासिल की है। हालांकि 2012 में मैच टाई होने के चलते भारत और पाकिस्तान को जॉइंट विनर घोषित किया गया था। 20 फरवरी को राजद का होटल मोरे में होगा महामंथन। जहां एक तरफ सीएम नीतीश समाज सुधार अभियान में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार में बेरोजगारी हटाओ अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जहां तेजस्वी बेरोजगारी के मुद्दे को बिहार के हर जिले में उठाने वाले हैं। इन सबके बीच राजद की कार्यकारिणी बैठक को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 फरवरी 2022 को होटल मौर्य में होने वाली है। यह नए साल में होने वाली राजद की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें 26 राज्यों के राजद के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल 10 दिसंबर 2022 को पूरा होने जा रहा है। जानकारी है कि 10 दिसंबर 2022 के पहले राजद अपने तमाम तरह के सांगठनिक कार्य को पूरा कर लेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत अभियान शुरू किया। पेशवा माधवराव प्रथम का निधन होने के बाद 1772 में उनके छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली। भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू किया गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया 1877 में भारत की साम्राज्ञी बनी। देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में हुई। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए 1915 में वॉइसरॉय ने केसर ए हिंद से सम्मानित किया। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। भारत और पाकिस्तान ने 1992 में पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की। कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर 2001 में कोलकाता हुआ था। 1951 बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर का जन्म हुआ। 1978 में हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री विद्या बालन का जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हेमचंद दास गुप्ता का 1933 में निधन आज ही हुआ था। रेलवे ने शुरू की डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी रात के समय में ट्रेन से सफर करते हैं और बीच में आपका स्टेशन आने वाला है तो टेंशन बढ़ी रहती है कि कहीं स्टेशन ना छूट जाए। इस चक्कर में तो कई यात्री रात रात भर जागे भी रहते हैं ताकि सही स्टेशन पर उतर सके। हालांकि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा शुरू कर दी है। रात में ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो इस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर यात्री को स्टेशन आने से ठीक पहले अलार्म बजने लगेगा। इसके लिए
आपको बस एक आसान सा काम करना होगा, जिसके तहत यात्रियों को 139 यानी कि 139 पर कॉल कर वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा एक्टिवेट करना होगा। यात्रा के दौरान इस सेवा को शुरू करने के लिए अलर्ट टाइप करने के बाद अपना PNR नंबर टाइप कर डेस्टिनेशन अलर्ट 139 पर भेजना होगा। इसके बाद का काम रेलवे करेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, समता भरती, अभिषेक रंजन, नरेश कुमार यादव, अमित सर, रणवीर कुमार, कृष्णा कुमार, संजीव कुमार सिंह, पूजा कुमारी, अनवर करीम खान, ओम प्रकाश मंडल, ललन सिंह, मनीष कुमार, पूजा कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज नए साल के मौके पर आप क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।